हम यहाँ जो असेसमेंट मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास इलेवंथ में हम उन्हें ही रिकॉल करेंगे और समझेंगे कि कौन सी मेथड्स को कैसे जो है हम यूज़ करते हैं याद है ना चैप्टर नंबर टू क्लास इलेवेंथ में ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ी थी केस स्टडी पढ़ी थी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ी थी वही पढ़ना है एक बार बस शॉर्ट में क्लियर है रेडी करें मतलब सॉरी सॉरी स्टार्ट करें रेडी होना आप सभी चलो लेट्स बिगिन सो so, सबसे पहले हमारी साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड ये एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर है ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक इंडिविजुअल का माइंड उसका बिहेवियर ये जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मतलब उसके मेंटल और उसके जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब उनको हम ऑब्जेक्टिवली और स्टैंडर्डाइज तरीके से मेजर करते हैं याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है क्लास एलेवंथ का कि सब भूल चुके हो कुछ याद नहीं है मुझे है ना चलो सर so, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिवली और स्टैंडर्डाइज वे में मेजर करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के माइंड और उसके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तो यहाँ पर हम मेजर करेंगे साइकोलॉजिकल एट्रीट्यूट्स के सारे डायमेंशंस ठीक है ऑब्जेक्टिवली हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जैसे इंटेलिजेंस है एप्टीट्यूड है जो भी हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस करे हैं तो उनको हम यहाँ पर मेजर करेंगे एज अ होल These tests are widely used for the purpose of clinical diagnosis, guidance, personal selection, placement and training. ये जो सारे psychological attributes होते हैं ना जैसे आपका aptitude level कैसा है, आपका intelligence कितना है, आपकी personality कैसी है, ये सारी जो आपके psychological attributes होते हैं हम इनको डिफरेंट पर्पसिज में यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए हमको किसी की काउंसलिंग करनी है किसी क्लिनिकल डायग्नोसिस में किसी तरह का गाइडेंस देना है सिलेक्शन uh, करना है किसी uh, मतलब अच्छी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशनस वगैरह में जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल रही थी कि आई के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें एप्टीट्यूड को एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है और उसी के बेसिस मतलब उसी के बाद में जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है ट्रेनिंग में इनको यूज़ किया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से ये जो है यूज़ होती हैं तो इसलिए हम इसको साइकोलॉजिकली टेस्ट करते हैं ऑब्जेक्टिवली पहले टेस्ट करेंगे सारे जितने भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनको फिर इसके बाद में हम कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट वगैरह करेंगे असेसमेंट uh, के लिए पर्सनालिटी के जो आप अभी मतलब इनके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर टू में पढ़ोगे ठीक है तो अभी आपको बस इतना जानना है कि जब भी जो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उनको मेजर करते हैं ऑब्जेक्टिवली और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको उसको हम डिटेल में समझते हैं ताकि हमको पर्सन के पर्सन uh, की किस तरीके से जो है मतलब उसके सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो समझ में आ जाए तो ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव तरीके से जो है हम टेस्ट करते हैं और स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ठीक है ऑब्जेक्टिव तो होता है साथ ही साथ में स्टैंडर्ड टेस्ट होता है मतलब हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं और कुछ मतलब टेस्ट को लेके हम कुछ बेसिक्स जो है बना लेते हैं या स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और उसी के बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं मैंने इसका एग्जाम्पल आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी दिया है कि कैसे हम एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं क्लियर नेक्स्ट इज इंटरव्यू इंटरव्यू में क्या होता है आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी वन टू वन बेसिस में इंटरव्यू फेस टू फेस भी हो सकता है ऑन अ कॉल भी हो सकता है याद है ये सब क्लास एलेवं में पढ़ा है ठीक है तो यू मे सी इट बींग यूज वैन अ काउंसलर इंटरेक्ट्स विद अ क्लाइंट अ शॉपकीपर मेक्स डोर टू डोर सर्वे सेल्स पर्सन मेक्स अ डोर डोर टू सर्वे रिगार्डिंग द यूजफुलनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयर सिलेक्ट्स एम्प्लॉज फॉर हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन अ जर्नलिस्ट इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट पीपल ऑन इशूज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तब इंटरव्यू किया जाता है जैसे मान लो कि जब भी आपकी जॉब के लिए आप जाओगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा है ना फेस टू फेस आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे और ना कॉल भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं या कोई पर्सन है जो अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहता है तो वो घर घर जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा सेल्स पर्सन जिसे हम बोलते हैं मान लो किसी को काउंसलिंग की जरूरत है तो जो भी काउंसलर है अपने क्लाइंट से जब वो इंटरेक्ट करेगा तो उसको इंटरव्यू बोलते हैं ठीक है थीके? तो इससे हमको पता चलता है कि आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे हैं तो एक मैथड होती है इंटरव्यू एक होता है कि आपको उन कैरेक्टर्स को स्टडी करना है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक इंटरव्यू थर्ड इज केस स्टडी केस स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज़ और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट केस स्टडी याद है केस स्टडी में हम क्या करते हैं डेप्थ में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल से रिलेटेड उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को यानी इन डिटेल बिल्कुल स्क्रूटनी के साथ में और यहाँ पे हम जो भी हमारा मतलब जिस भी जो भी इंडिविजुअल है उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री उसके साइकोसोशल फिजिकल इन्वायमेंट इन सारी चीज़ों की हम बातें करते हैं ठीक है मतलब जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कि आप कोई केस स्टडी कर रहे हो है हाँ ना कोई केस है आपके पास में उस केस को आप स्टडी कर रहे हो तो आप हमेशा देखोगे कि उसमें क्या सारी चीज़ें हो रही हैं उसका पास्ट कैसा था केस कैसे स्टार्ट हुआ मतलब कोई पुलिस केस ले लो या फिर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो हमेशा आप उसके हिस्टोरिकल कंटेक्ट को भी स्टडी करोगे उसका जो है मतलब इन्वामेंट के साथ में किसी एक तरीके का रिलेशन रहा है ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो केस स्टडी में हम इन डिटेल स्टडी करते हैं ठीक है यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे मान लो कभी देखा आपने मूवीज़ वगैरह में या जो टी वी सीरियल्स आते हैं उसमें आपने देखा है किसी साइकोलॉजिस्ट वगैरह को दिखा देते हैं मतलब वहाँ तो बहुत गलत गलत चीज़ें दिखाते हैं कि कुछ भी अपने हिसाब से स्टोरी बना लेते हैं बट uh, uh, कभी आपने देखा होगा कि वो जो है मेंटल मतलब कोई भी पर्सन को किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है या कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर उससे क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं वो ऐसे जो है पूरा क्या बोलते हैं उसको अंतर ध्यान कर देते थे ना वो ऐसे हमारे सामने ऐसे हिलाते तो फिर उसको हम इधर उधर देखते पेंडुलम टाइप से ठीक है तो उससे क्या करते हैं वश में कर लेते हैं और फिर उसके बाद में उनसे क्वेश्चन पूछते हैं वो बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाते हैं ठीक है और फिर उसके बाद में क्या करते हैं वो ध्यान मग्न हो जाएंगे फिर उसके बाद में उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका नाम क्या है आपको कुछ याद आ रहा है याद है वो भूल भुलैया मूवी में जो फर्स्ट वाली थी तो वो अक्षय कुमार विद्या बालन से इसी तरीके से क्वेश्चनिंग करते हैं उसको वो पेंडुलम के थ्रू जो है बिल्कुल पूरा मतलब अपने पुरानी लाइफ में लेके चले जाते हैं याद आ रहा है ऐसा कुछ तो वो तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि वो तो पिक्चराइजेशन किया जाता है चीज़ों का बट इन रियलिटी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो केस स्टडीज करते हैं अपने क्लाइंट्स अपने पेशेंट्स वगैरह के पूरे हर एक चीज को समझने के लिए बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी तभी तो वो किसी तरह के डिसऑर्डर को या कोई भी चीज़ है तो उसको क्योर कर पाएंगे राइट केस एनालिसिस ऑफ द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल कैन ऑल्सो भी हाईली इल्यूमिनेटिंग फॉर दोज विलिंग टू लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसिस कुछ ग्रेट पीपल जो होते हैं अगर आप उनकी लाइफ के चीज़ों को भी मतलब जो है एलिमिनेट करो तो क्या होता है बहुत सारे लोग उनसे सीख सकते हैं इसका मतलब ये है कि जैसे आपने गांधी जी के बारे में सुना है गांधी जी बहुत महान व्यक्ति थे फादर ऑफ द नेशन है तो यहां पर जैसे गांधी जी की केस स्टडी में आपको बताऊं कि वो कैसे थे वो इंडिया में कब आए मतलब इंडिया में थे फिर साउथ अफ्रीका चले गए फिर वहां पर क्या इंसिडेंट्स हुए फिर इंडिया में आए तो कैसे उन्होंने जो है अपने सारे आंदोलन वगैरह शुरू किए उनकी लाइफ के क्या वैल्यूज थी क्या प्रिंसिपल्स थे कैसी एक वो पर्सनलिटी थे मैं आपको हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में उनके बारे में बताऊँ तो आप उनकी लाइफ से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ना कि हाँ उन्हें इस एक रास्ते को अपनाया था तो हम भी इस एक चीज के ऊपर जो है मानेंगे हम भी इस पाथ को जो है अडॉप्ट करेंगे या हम भी उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो केस स्टडीज वगैरह में

ठीक है तो अब गांधी जी के ऊपर केस स्टडी कर रहे हैं तो या तो जब गांधी जी थे तो उनका किसी ने इंटरव्यू लिया होगा तो उनने जो बातें बताई उसको किसी बुक में या किसी आर्टिकल में लिखा होगा ठीक है या लोगों ने जो ऑब्जर्व किया जो भी देखा गांधी जी को जिस तरीके से भी देखा उसको उन्होंने किसी अपनी बुक वगैरह में लिख दिया है ना तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्लियर तो ये एक चीज़ होती है अब जैसे एम एस धोनी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन है तो उनसे इंटरव्यू लिया गया फिर उनकी मूवी बनी गई क्लियर नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छा प्रोसेस मुझे यही लगता है uh, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को uh, मतलब मेरा ऐसा है ये मेरी लाइफ की वैल्यू है कि मैं बोलना कम पसंद करती हूँ और ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद करती हूँ ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलती नहीं हूँ आप देख ही रहे हो कितनी देर से बोल ही रही हूँ बोलती तो हूँ लेकिन बहुत कुछ ही सिलेक्टेड लोगों के साथ मैं ओपन होती हूँ मतलब बिल्कुल जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं अदरवाइज़ आई लाइक टू ऑब्जर्व थिंग्स इन लाइफ कि क्या चल रहा है सब बैठ के ना शांति से ऑब्जर्व करो कभी करके देखना आपको समझ में आएगा आप कितनी सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो और ये एक बार में नहीं होगा कल स्कूल गए क्लास में गए बैठे और सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठ के ऐसे नहीं धीरे धीरे करके होते हुए किसी को पता भी ना चले कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको हर एक चीज पता चल जाए ठीक है तो ये होती है ऑब्जर्वेशन पे हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव मैनर में किसी के बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं ठीक है रियल टाइम में अब इसमें मदर चाइल्ड इंट्रैक्शन को भी इजीली स्टडी किया जा सकता है मेजर प्रॉब्लम्स ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के साथ में ये आती हैं कि जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर बड़ा ही लिटिल कंट्रोल होता है है ना द मेजर प्रॉब्लम्स विद ऑब्जर्वेशनल मेथड्स आर दैट द ऑब्जर्वर हैज लिटिल कंट्रोल ओवर द सिचुएशन एंड द रिपोर्ट्स में सफर फ्रॉम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप बैठ के किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो ठीक है एक्चुअल में दो लोग बात कर रहे हैं ठीक है थीके? मान लेते हैं जस्ट एक एन एग्जाम्पल या मान लो कोई एक ही पर्सन है वो जिस भी तरीके से बिहेव करता है आप उसको ऑब्जर्व करो और उसके बिहेवियर पे के बेसिस पर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचो कि ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी का है तो हो सकता है कि आपने जो ऑब्जर्व किया है वो गलत हो क्योंकि इन रियलिटी वो दिखा कुछ रहा है और एक्चुअल में है कुछ है ना तो ये चीज़ हो सकती है एक लाइक like क्यों ना होता है ऑब्जर्वेशन का बट बहुत अच्छी मेथड होती है हमेशा ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं हमेशा इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना होता बट मोस्ट ऑफ द टाइम और ना सेल्फ रिपोर्ट सेल्फ रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप खुद से कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो इसमें आपके ओपिनियंस बिलीव सारी चीजें हो सकती हैं जैसे मान लो कि uh, आप अपने ही बारे में అని రిపోర్ట్ోవాయిడ్ कि आपके क्या ओपिनियंस हैं आपके क्या बिलीव सिस्टम जैसे मैं अभी आपको अपने बारे में बता रही थी कि मेरी एक पर्सनालिटी किसी एक तरीके की है कि कम बोलना है और ऑब्जर्व ज्यादा करना है तो ये मैंने आपको अब मेरे बारे में बताया तो मेरी सेल्फ रिपोर्ट हो गई है ना लेकिन रिपोर्ट इतनी सी नहीं होती तो ये इंफॉर्मेशन में हम पूरा इंटरव्यू स्कड्यूल क्वेश्चन आयर या साइकोलॉजिकल टेस्ट या पर्सनल डायरी भी ले सकते हैं आपको पता है ना बहुत सारे लोग पर्सनल डायरी लिखते हैं तो वो भी एक तरीके का सेल्फ रिपोर्ट हो सकता है उसके थ्रू भी आपको लोगों के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जानने का मौका मतलब जो है मिल सकता है कि मान लो जैसे मान लो मैं हूँ मैं अपनी डायरी लिखती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उसको कभी रीड करके आपको यह समझ में आ जाएगा कि मेरे इमोशंस किस एक तरीके, के है, मैं किस एक तरीके से करती मेरे कौन कौन सी बात करी हमने कौन कौन सी मेथड्स को हमने डिस्कस किया तो एक हमने बात है पहली हमने बात करी साइकोलॉजिकल टेस्ट की हमने बात करी केस स्टडी की हमने बात करी इंटरव्यू की है ना हमने बात करी सेल्फ रिपोर्ट की एक और क्या बात करी हमने ऑब्जर्वेशन फाइव मेथड्स की बात हमने यहां पर करी और भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं अगर आपको याद होगा क्लास इलेवेंथ में चैप्टर टू आपने पढ़ा था दैट इज दी मेथड्स और स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च ठीक है इंक्वायरी इन साइकोलॉजिकल रिसर्च ये जो आपका चैप्टर था उसमें ये सारी मेथड्स दी गई थी उसमें बता देते कि आप साइकोलॉजी में रिसर्च कैसे कर सकते हो अब यहाँ हम रिसर्च ही तो कर रहे हैं हम क्या चाहते हैं कि जो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है हम उसके बारे में पता लगाएं क्योंकि जब हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझ पाएंगे तभी हम इंडिविजुअल के डिफरेंसेज को समझ पाएंगे और जब हम इंडिविजुअल के डिफरेंसेज को समझ पाएंगे तो हम इंडिविजुअल के ऊपर भी स्टडी कर पाएंगे है हाँ ना तो इंडिविजुअल के ऊपर अगर हमको स्टडी करनी है उसके फंक्शनिंग को समझना है तो हमको उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जैसे इंटेलिजेंस है एप्टीट्यूड है वैल्यूज है पर्सनालिटी है जब तक आपको किसी के बारे में ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप उसको कैसे समझ पाओगे तो उसको समझने के ये तरीके होते हैं ठीक है कि आप उसका इंटरव्यू ले सकते हो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो आप उसकी खुद की सेल्फ रिपोर्ट ले सकते हो आप उसके केस को स्टडी कर सकते हो आप साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव वे में आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि मतलब ऑब्जेक्टिवली जो है आप इन सारी चीज़ों को स्टडी करोगे कि भाई उसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल है तो किस तरीके से है उसके अंदर एप्टीट्यूड है तो किस तरीके से है तो जब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी तभी तो आप किसी पर्सन के बारे में जान पाओगे है ना मान लो आपको मेरे ऊपर स्टडी करनी है आपको जानना है कि मेरे अंदर क्या क्या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं तो पहले अगर आप या आप जानना चाहते हो कि मेरे मैं किस एक तरीके की हूँ क्या सोचती हूँ मेरी क्या पर्सनैलिटी है तो आपको मेरे ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी और उस स्टडी को करने के लिए आपको मेरे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पता होने चाहिए चाहिए और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का असेसमेंट करना आपको आना चाहिए मतलब आपको मान लो ये पता चल जाए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ ठीक है हूँ तो अब क्या होगा कि आपको पता तो चल गया मैं इंटेलिजेंट हूँ लेकिन एक मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड कितनी इंटेलिजेंट हूँ ये आप कब कर पाओगे जब आपको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेसमेंट करना आता होगा और असेसमेंट करने के लिए मेथड्स कौन सी सो so ये जो फाइव हमने डिस्कस करी कोई डाउट नहीं है ना कोई डाउट बहुत सिंपल सा टॉपिक था क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है ये पढ़ा हुआ था तो आई होप सो so इसमें कोई डाउट आपको नहीं भी आएगा क्लियर है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आई होप सो यहां तक क्लियर है और यहां तक कोई डाउट नहीं है ठीक है सो so आपको अब क्या करना है आपको अच्छे से रीड आउट करना है और बहुत ही जल्दी हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को स्टार्ट करेंगे जैसे इंटेलिजेंस वगैरह को तो आपको और डिटेल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कोई डाउट नहीं है ना पक्का सब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि आप कैसे मैग्नेट ब्रिंस की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो तो एज यू ऑल नो डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रिंस के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रंस की ऐप है आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा मैग्नेट ब्रिंस की वेबसाइट भी है जी हाँ डब्ल्यू 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 डॉट मैगनेट ब्रेंस डॉट कॉम ये है मैग्नेट ब्रिंस की वेबसाइट इसको आप गूगल पे डालो बढ़िया से आपको यहाँ पर ये मैग्नेट बेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होता हुआ दिख जाएगा यहाँ आपको हमारे टॉपर्स मिलेंगे हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी बेस्ट टीचर्स के साथ में मिलेगी और सारे टॉप कोर्सेज आप देखो सी बी एस सी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम एन टी एस सी ओलंपियाड सी वी टी आई आई टी जेई नीट यू पी एस सी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा आपको जो भी कोर्स देखना है उस पर क्लिक करो जो भी क्लास आपको पढ़नी है जो भी आ, आपको सब्जेक्ट पढ़ना है जो भी लेक्चर आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ आपके सामने सारी चीज सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको दिख जाएंगी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ढूंढने में ठीक है और जैसे ही वॉचनाओ पर क्लिक करोगे आपका वीडियो ओपन हो जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पर आपको दो लेक्चर के बाद में कोई पेमेंट करने को भी नहीं बोलेंगे ना ही कोई कूपन बेचेंगे क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर हम आपको हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और वो भी क्वालिटी के साथ में और बेस्ट टीचर्स के साथ में तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी मैग्नेट ड्रीम्स के बारे में बताओ ताकि वो भी हंड्रेड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और बिना किसी पेड सब्सिडी सब्सक्रिप्शन के साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन को डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर भी एक्सेस कर सकते हो और बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो तो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए फॉर मोर अपडेट्स स्टेट यून विद मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू वेरी मच